नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं आपके साथ फिर से ज़िंदगी के कुछ पन्ने शेयर करना चाहूँगा। तो यूपीएससी, आरबीआई या किसी भी एग्ज़ाम में जैसा हमने देखा है, सिलेबस का अनलिमिटेड होना काफ़ी डरावना साबित होता है। कई बार हमें सिलेबस से ही इतना डर लगता है कि हम रियल एग्ज़ाम की तैयारी ठीक से नहीं कर पाते हैं। कई लोग कई दिनों तक बुक लिस्ट या अन्य रिसोर्स को ढूंढने में काफ़ी समय लगाते हैं और एक बार बुक लिस्ट हो जाती है तो उन्हें दिखता है कि बहुत बड़ा सा उनके पास कंप्लीट करने के लिए सिलेबस मौजूद है। मेरा बस एक ही चीज़ कहना है आप लोगों को कि किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी सैक्रोसेंट नहीं है। ये कह देना कि ये बुक कंपलसरी है इस एग्ज़ाम के लिए, ऐसा गलत है। कोई भी बुक हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर की हो, चाहे वो पोलाइटी की हो, सैक्रोसेंट है बस एग्ज़ाम। इस चीज़ को गौर फरमाएं और बिल्कुल ध्यान से सोचिएगा, सैक्रोसेंट है आपका किस तरह से मोटिवेशन है एग्ज़ाम निकालने का, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। एग्ज़ाम निकालने की चाहत और एग्ज़ाम निकालने का परिश्रम, दोनों में बहुत फ़र्क है और दोनों में जो फ़र्क है वही आपको यहाँ से यहाँ ले जा सकता है। चाहत में हम किताबें ढूंढते हैं, चाहत में हम किताबें जोड़ते हैं, चाहत में हम नोट्स इकट्ठा करते हैं, और एग्ज़ाम निकालने की वास्तविकता में, एग्ज़ाम निकालने की जुनून में हम उन सबको ख़त्म करते हैं। आपको अपने क्षमता का आभास होना चाहिए। यू मस्ट नो योर पोटेंशियल। इफ़ यू कैनॉट रीड मल्टीपल बुक्स, डोंट गो बाई द मार्केट ट्रेंड कि किताब कौन सी पढ़ी जा रही है, नहीं पढ़ी जा रही है। देयर इज़ नो सच थिंग डिफाइंड बाई UPSC और RBI दैट दिस बुक इज़ अ कंपल्सरी। जो किताबें लोगों को समझ में आई इसीलिए शायद हम वो किताबें पढ़ना चाहते हैं, करेक्ट, ताकि हमें भी वो समझ में आए। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही किताबें हमें एग्ज़ाम पार करा सकती हैं। अलग अलग और भी तरीके होते हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आपने किताब अपने डेस्क में, अपने शेल्फ में जमा कर ली और खुश हो गए। इम्पॉर्टेंट है कि आपने उसके अंदर लिखे हुए कितने वर्ड्स, कितने बार, कितनी गहराई से पढ़ा, ये डिटरमाइन करेंगे कि कभी किसी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे किस तरह से टैकल कर पाते हैं। वास्तविकता की धरातल पर रहकर एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। वास्तविकता का धरातल यही कहता है कि एग्ज़ाम टफ है और हमें उसके लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। कोई विकल्प नहीं है, अगर हमने ये राह चुना है तो हमें उस राह पर कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। हार जीत दोनों का स्वाद चखना ही होता है, और किसी को अगर जीत जल्दी मिल भी गई हो, किसी के लिए आपको लगता है कि राह आसान हो गई हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी मंजिल अपने निर्धारित समय पर अपनी गति से तय करनी है। सो आप अपनी मंजिल पर फोकस बनाकर आगे बढ़ते रहें। सोच कि मैं ये एग्ज़ाम निकालूंगा या निकालूंगी बहुत ज़रूरी है। कर्म जो उस सोच को रियलिटी में बदले उससे भी ज़रूरी है, और आपका दृष्टिकोण इस एग्ज़ाम को पूरे निकालने का एक प्रोफेशनल होना चाहिए, सबसे ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम दो तीन अटेम्प्ट के बाद नहीं निकले कोई भी एग्ज़ाम, बिल्कुल लगाव ना रखते हुए ज़िंदगी में कुछ और भी करना चाहिए और दूसरे पन्नों को भी तलाश करने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को भी अपने लाइफ में इतना सैक्रोसेंट ना बना लें कि आप उससे उभर ना पाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो तैयारी जारी रखें परंतु अपने आप को खुल कर जिए भी। चलिए, धन्यवाद।